पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार की तारीफ की है। चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी की जीत कई विपक्षी दलों के लिए 2024 के बाद मुसीबत बन सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार की सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में अगर कुछ लागू करना होता है तो उसे अच्छे तरीके से लागू किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार का इम्प्लीशन यानी कार्यान्वयन अच्छा है। उन्होंने कहा कि इस बात में नाखुशी क्यों होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि पी चिदम्बरम ने सिर्फ उनकी तारीफ ही की, उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी है। उन्होंने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि पहले सरकार ने 2023-24 तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब वे 2 साल का अलग समय मांग रहे हैं। वे गोल पोस्ट को घुमा रहे हैं। अगर 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनती है तो इससे हमें भी खुशी ही मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय दलों को झेलना होगा। अगर विपक्ष नहीं होगा तो इससे कुछ विपक्षी दलों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। देश में पीएमएलए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर देश में हमारी सरकार आती है तो इस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा और नया कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दलों पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।